मैंने वजीर आजम बनने से पहले ये कहा था कि पाकिस्तान किसी से भीख नहीं मांगेगा। मैंने मजाक किया था। मैंने ये भी बताया था कि बाहर की दुनिया से लोग पाकिस्तान में नौकरियां करने आएंगे। मैंने ये भी मजाक किया था। मैंने मजाक किया था, आप लोगों ने सीरियस लिया और मुझे वज़ीर आज़म बनाया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मजाक को मजाक समझना चाहिए और जो बात मैं सीरियस करता हूँ उसको सीरियस लेना चाहिए। उसके बाद मैंने बात की थी तब्दीली की, तो तब्दीली आप देख रहे हैं, असद उमर को हटाया, किसी और को मिनिस्ट्री दिया, इसी तरह ये तब्दीली जारी रहेगी और मुस्तकबिल में आप में से किसी को भी चांस मिल सकते हैं पाकिस्तान की वजारत के अहदे का। कीमतें इसलिए बढ़ाया ताकि हमारी चीज की कदर हो। पहले पाकिस्तानी को कदर नहीं थी, अब हर चीज महंगा होता जा रहा है। पाकिस्तानियों को इस चीज की कदर है कि ये महंगी चीज है तो कम इस्तेमाल करेंगे। अगर चीजें महंगी होगी तो आपकी डिमांड कम होगा, अब किससे भी ज्यादा होगा। इस तरह हमारा मुल्क अमेरिका से आगे जाएगा। बिजली का लोड शेडिंग इसलिए किया जा रहा है ताकि आवाम को थोड़ा सुकून हो। अगर बिजली रहेगी आप लोग काम करते रहेंगे, अब किसी हद भी जरूरी है, इसलिए हमने बिजली का लोड शेडिंग किया ताकि आवाम वक्त पे सो जाए, ताकि जहनी तौर पर पाकिस्तानी तैयार रहे, जहनी तौर पर सुकून हासिल करें। और इस तरह लोड शेडिंग इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे और इसका दौरानिया थोड़ा इससे ज्यादा करेंगे ताकि आप एक नया पाकिस्तान देख सकें। उसके अलावा मैं क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया घुमाऊं। आपका इलाका गिलगित बल्तिस्तान का इलाका नहायत खूबसूरत इलाका है, स्विट्जरलैंड जैसा इलाका है। मैंने वजीर आजम बनने से पहले इस इलाके में तरक्की की बात की थी, शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल बनाने की बात की थी, लेकिन मैं जब इख्तदार में आया तो मुझे पता चला कि मैंने जितने भी बातें वादे किए थे वो सब नामुमकिन है। मैं भूल गया था कि काम करना और वैसे कहने में बहुत बड़ा फर्क है। रमजान आप कितनी कमी करेंगे? रमजान में महंगाई में इजाफा होगा, आप जितने पैसे खर्च करेंगे उतना आपको सवाब मिलेंगे। बाहर ममालिक के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात क्या कहना चाहते हैं आप? अक्सर बाहर ममालिक एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी चीजें दूसरे मुल्कों को नहीं देना चाहिए, हमें खुद इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरे ममालिक की चीजें भी हमें लाके इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक फितरती बात है कि हम बाहर से लाएंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने सऊदी अरब से, चाइना से और बाकी ममालिक से बात की कि उनसे हम पैसे लाएंगे, चीजें लाएंगे, इस तरह हम तरक्की करेंगे। करप्शन के हवाले से ये अगर कोई बंदा किसी और पार्टी का, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तेरे इंसाफ का अगर कोई बंदा है तो उसको भी चाहिए कि वो हमारी पार्टी छोड़े और करप्शन से पाक इंशाल्लाह हम पाकिस्तान बना के दिखाएंगे।